नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक देश एक नाम, आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे। संविधान में देश का दो नाम बताया गया, अब तक प्रचलित नाम इंडिया ही रहा, लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से G20 के मेहमानों को डिनर का जो न्योता भेजा गया उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। इसके बाद एक नई बहस शुरू हो गई है, देश के नाम सिर्फ भारत करने की कवायद की जा रही है क्या? विपक्ष ने यानी इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों ने फौरन सवाल खड़े किए, कहा कि बीजेपी उनके गठबंधन के नाम से घबरा गई। अब सवाल यह कि क्या वाकई संविधान में मौजूद देश के दो नामों की जगह यानी इंडिया और भारत की जगह एक नाम यानी भारत किया जाएगा? यदि ऐसा होता है तो कहां कहां और किन किन चीजों के नाम बदलने हैं? शुरुआत करते हैं। देश की संवैधानिक संस्थाएं जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इंडिया हटाना होगा। गैर संवैधानिक संस्था जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसरो जैसे संस्थानों का नाम भी बदलना होगा। देश की शैक्षणिक संस्था जैसे IIT, IIM, एम्स, इनसे भी इंडिया हटाना होगा। सरकारी योजनाएं जैसे खेलो इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सब नाम बदलना होगा। इंडिया से भारत करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल हुई थी, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने खारिज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इसे दोनों नामों से बुला सकते हैं, जिसे इंडिया बोलना है इंडिया बोले, जिसे भारत बोलना है भारत बोले। भारत नाम को लेकर सियासत तेज है, विपक्ष लगातार सरकार और बीजेपी पर हमले कर रहा है। शरद पवार ने कहा सत्ताधारी बेचैन है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा हिंदू शब्द भी बाहर से आया है, बदलना होगा। ममता बैनर्जी ने कहा कि बीजेपी इतिहास बदल रही है। दूसरी ओर बीजेपी कह रही है भारत ही हमारा परिचय है, ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ नाम है। भारत नाम को लेकर अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया, कहा कि भारत माता की जय। उधर वीरेंद्र सहवाग ने कहा वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों की जर्सी पर भारत नाम हो यानी टीम भारत। गावस्कर कह रहे हैं देश का मूल नाम भारत ही है। आज हम इन्हीं से जुड़े तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। ये G20 का निमंत्रण पत्र है, लेकिन ये सिर्फ भारत की राष्ट्रपति से एक न्योता नहीं है, भारत या इंडिया की बड़ी बहस का दस्तावेज बन गया है। ये उस रात्रि भोज का कार्ड है जो G20 के दौरान भारत मंडपन में दिया जाना है। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, और तमाम अटकलों के बीच की संसद के विशेष सत्र में देश का नाम सिर्फ भारत करने पर फैसला हो सकता है। सियासी युद्ध छिड़ गया है। ये मन को बहुत संतोष देने वाला सूचना है। भारत हमारी परिचय है, इसको लेके हम गर्वित है। हम कहते हैं गर्व से कहो हम भारतीय है, तो भारत के नाम को राष्ट्रपति जी ने प्रायोरिटी में ले आया, देश सुन के इसके लिए बहुत खुश होगा। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे? देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे? फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? मेरे देश का नाम है भारत, इसमें अगर कांग्रेस को उस नाम से एतराज है वो बताएं और उनको प्रॉब्लम वो अपने आप सॉल्व करें। मेरा देश है भारत, मैं अपने देश का नाम भारत मानता हूँ। भाषण आप सब लोगों ने सुना होगा मोदी जी का, वोट फॉर इंडिया, वोट फॉर इंडिया। आप काहे का डर है भाई? इंडिया नाम से ये डरे हुए क्यों? ये साफ यही ना दिखाता है कि मोदी जी इंडिया गठबंधन से डरे हुए हैं? इसमें तो कुछ आपत्तिजनक है ही नहीं, क्योंकि भारत का संविधान जो है वही कहता है इंडिया दैट इज भारत। तो जो प्राइमेसी है भारत की वो तो भारत का संविधान ही देता है, और जो हमारी मातृभूमि है भारतवर्ष, वो भारतवर्ष तो नाम हमने नहीं दिया, वो तो हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले का दिया हुआ नाम है। आज के तो इंडियन नाम चेंज कर दी, चलिए सुनलम आज के देश नाम तो चेंज हो जाए। কবে কবি ঠাকুরের নাম চেঞ্জ হয়ে যাবে? বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সব নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে, বড় বড় ঐতিহাসিক সৌধ তার নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে, ইতিহাসকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে। ये बात अब एक महज चर्चा से आगे बढ़ गई है। संकेत मिल रहे हैं भारत की जगह इंडिया नहीं चलेगा, भारत मतलब भारत इंडिया नहीं। शुरुआत संघ प्रमुख ने की थी जब उन्होंने संविधान में संशोधन करके इंडिया हटाने की वकालत की थी। इंडिया
भारत होना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ। बीजेपी में भारत बनाम इंडिया की बहस पुरानी है। बीजेपी भारत शब्द पर ही जोर देती रही है, संसद और संसद के बाहर इसकी गूंज सुनाई देती रही है। दुनिया के अंदर भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसके दो नाम है। देश के अधिकांश लोगों की भावना है कि देश का नाम केवल भारत होना चाहिए और इंडिया पूरी तरीके से प्राणहीन है, भारत पूरी तरीके से जीवंत है। इंडिया दैट इज गुलामी का प्रतीक है, हमको बताता है कि हम अंग्रेजों के गुलाम रहे और उसको हटा करके इंडिया दैट इज की आवश्यकता ही नहीं है, भारत के नाम से संबोधित होना चाहिए। दसियों हजार की साल की परंपरा भारत के साथ है, दसियों हजार साल से ये भारत है। 200-300 वर्षों पहले ही हमको इंडिया के नाम से संबोधित किया जाने लगा। पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता, इस न्योते पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, लेकिन क्या वाकई देश एक ही नाम भारत की तरफ बढ़ रहा है? विशेष सत्र में अब 12 दिन बचे हैं आज तक ब्यूरो। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं नलिन कोहली साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, संजय निरुपम जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आनंद दुबे, प्रवक्ता शिवसेना के, जैस्मिन शाह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, अवनिजेश अवस्थी जी, राजनीतिक विश्लेषक और आरएसएस के जानकार के तौर पर इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नलिन कोहली साहब, 18 से 22 सितंबर को जो विशेष सत्र हो रहा है, क्या उसमें ऐसा कोई प्रस्ताव हो सकता है जिसमें देश का नाम सिर्फ एक भारत ही रखा जाएगा, इस पर फैसला हो? सरकार की नियत क्या है? राष्ट्रपति के इस नियोते से क्या संदेश जा रहा है? शायद उनसे संपर्क टूट चुका है। संजय निरुपम जी, क्या तर्क और दलीलें हैं? क्योंकि यह कह देना है कि इंडिया गठबंधन से डर कर यह कदम उठाया जा रहा है। बीजेपी कहती है कि हमने तो बहुत पहले से इसके प्रस्ताव अनेकों रखे हैं और कई सांसदों के ऐसे प्रस्ताव इस देश की संसद में हैं। बीजेपी के सांसदों ने 2021 में भी, उससे पहले भी ये प्रस्ताव रखा था कि एक ही नाम हो, भारत। एक कमाल की बात कर रही है बीजेपी। अगर बहुत वर्षों से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव था कि भारत का नाम सिर्फ भारत होना चाहिए और इंडिया शब्द से इनको इतनी नफरत थी, तो फिर मेक इन इंडिया क्यों शुरू किया इन्होंने? डिजिटल इंडिया क्यों शुरू किया इन्होंने? खेलो इंडिया क्यों शुरू किया? स्टार्टअप इंडिया क्यों शुरू किया? और बाद में मोदी जी बोलते हैं ये न्यू इंडिया है। तो अगर इंडिया शब्द से इतनी नफरत थी तो 2014 से लगातार पिछले 9 वर्षों में पता नहीं कितनी योजनाएं इंडिया के नाम पर शुरू की। तो ये बीजेपी का बड़ा थोथा किस्म का एक दलील है। सच ये है कि विपक्षी दलों का जब एक महागठबंधन तैयार हुआ और उस महागठबंधन का जब नाम दिया गया इंडिया, तो इंडिया शब्द से ये घबरा गए हैं, डर गए, क्योंकि इंडिया शब्द में बहुत बड़ी ताकत है। इंडिया शब्द एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला है जिसमें सबको छांव मिलती है। इंडिया शब्द में एक इतनी बड़ी शक्ति है कि वह बड़े से बड़े ताकतवर लोगों को उखाड़ कर फेंक सकती है। और मुझे लगता है इसीलिए भारतीय जनता पार्टी डर गई है और इस डर की वजह से वो कह रहे हैं हमको कोई ऐतराज नहीं है, हमको जितना प्रेम इंडिया से है उतना ही प्रेम भारत से है। हम वो लोग हैं जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू करते हैं, हम वो लोग हैं जो मेरा भारत महान कहते हैं, हम लोग वो लोग हैं जो भारत माता की जय कहते हैं, हम लोग वो लोग हैं जब कहते हैं जय हिंद और जय भारत। तो भारत शब्द पर हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है, हम बहुत मान सम्मान और इज्जत देते हैं और आगे भी देते रहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जितनी घबराहट में आकर के भारत भारत कहना शुरू किया, उस पे लोग हंस रहे हैं, उस पे लग रहा है क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी जो इतने अपने आप को ताकतवर बताती है, इतनी अंदर से कमजोर है कि इंडिया नाम से घबरा गई, इंडिया नाम से डर गई। और इसके लिए बीजेपी की तरफ से उम्मीद की जाती है कि वो किसी प्रकार के राजनीतिक पचड़ों में नहीं पड़ेंगी, उनको भी इस प्रकार के राजनीतिक झगड़े में डाल दिया गया, यह शर्मनाक। इस पर बहुत सारे प्रश्न है मेरे मन में संजय जी, लेकिन थोड़ा सा रुक जाए। हेमंत बिस्व शर्मा से हमारे सहयोगी इस वक्त बातचीत करें, आइए जल्दी से आपको सुना देते हैं, फिर लौट रहे हैं। असम के महामहिम राष्ट्रपति जी ने लिखा है कि भारत का राष्ट्रपति, रिपब्लिक ऑफ भारत नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है भारत का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। उनका ये कहना है कि आप जो हैं संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल्स में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, दैट इज भारत। यही आपने आज दिन से, मैं जितना पत्रकार से बात किया, आपने ही सबसे अच्छा वर्ड बोला, इंडिया दैट इज भारत। नाउ यू से व्हिच इज द कोर वर्ड,
इंडिया डेट इज भारत मीन्स भारत इज द कोर वर्ड। इंडिया का नाम बोलने से आप समझेगा नहीं, तो इसलिए हमारा प्रणेता ने बोला देखो वो मैं इंडिया का बात बोल रहा हूं लेकिन वो भारत है, वो भारत का नाम मैं भारत का बारे में मैं बोलने जा रहा हूं बिकॉज दिस भारत वॉज 5000 साल से मेरा देश को मेरा जन्मभूमि को लोग भारत नाम से जानता था एक्सेप्ट द ब्रीफ पीरियड जब ब्रिटिशर्स ने हमें हमारा ऊपर हुकूमत चलाया था। तो इसीलिए आप आर्टिकल 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए इंडिया, यहां मैं रुका नहीं आगे जाके बोला देखो वो भारत है तो भारत इज द कोर वर्ड। भारत इज द कोर वर्ड, संजय जी इस पर आपका एक रिएक्शन, फिर अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी। भारत इज द कोर वर्ड, इस पर किसी को ऐतराज नहीं। मैंने तो बताया हम तो भारत जोड़ो यात्रा करने वाले लोग हैं, हमको भारत शब्द पर क्या ऐतराज है। हमारे संविधान निर्माताओं ने बोला कि इंडिया दैट इज भारत, या अनुच्छेद 1 में पहला उल्लेख है। जी संजय जी, तो अब ऐसे तो राष्ट्रपति राष्ट्रपति के नियोते में लिखा, जी राष्ट्रपति के नियोते में अगर लिखा है सर प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो वो कैसे पॉलिटिक्स हो गया? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। अब तक तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी, अचानक प्रेसिडेंट ऑफ भारत कैसे हो गया? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां से वो आई है और जहां से निकल करके उनको राजनीति नहीं करनी चाहिए और वो कॉन्स्टिट्यूशन की एक कस्टोडियन के तौर पे वहां बैठी हैं, उनको कम से कम परम पूज्य बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है उस संविधान के प्रावधानों का मान सम्मान करना चाहिए। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी को राजनीति करनी और वो कर सकते हैं क्योंकि राजनीतिक पार्टी है वो, तो बीजेपी राजनीति के तहत संविधान को तोड़ना मरोड़ना चाहती है। एक अरसे से उनके मन में इस प्रकार का षड्यंत्र पल रहा है और आगे जाकर के अब जाकर के कहीं ना कहीं इंडिया के नाम के बहाने वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को तोड़फोड़ करना चाहते हैं और उसके उस पूरे षड्यंत्र में महामहिम राष्ट्रपति महोदया शामिल हो रहे हैं। यह हम लोगों को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जी जो कि संविधान के संरक्षक हैं, उनको संविधान की भावनाओं का सम्मान करते हुए चलना चाहिए, उनको राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। मोदी जी, अमित शाह जी, बाकी नेता लोग इंडिया भारत झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी को अचानक रातों रात प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से प्रेसिडेंट ऑफ भारत बनने से पहले 10 बार सोचना चाहिए था, क्योंकि उनसे यह उम्मीद नहीं की जा सकती। जवाब दीजिए इसका नलिन कोहली साहब, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि एक षड्यंत्र में आप लोग देश की राष्ट्रपति को शामिल कर रहे हैं। जी मैंने ना केवल आपके पूरे डिबेट को सुना, कुछ तकनीकी कारण से मैं विजुअल में नहीं था जी। लेकिन मैं सारे बयानबाजी अलग अलग नेताओं के सुन रहे हैं। संजय जी तो बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के और मैं इसको सब अद्भुत बयान मानता हूं। आज सबसे अद्भुत बयान है जो सारे ये विपक्षी नेता बोल रहे हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आया। अभी डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा जी ने भी वही कहा, आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत, हिंदी का उठाइए आप संविधान, उसमें भारत या जो इंडिया है पहला शब्द वहां भारत आता है। भारत शब्द से ये घृणा क्यों, इस पे राजनीति क्यों? क्या भारत हमारे संविधान के बाहर है? क्या भारत शब्द संविधान के पहले अनुच्छेद में है या नहीं है? क्या बदलने की बात और षड्यंत्र की बात? षड्यंत्र ये सारे अलग अलग नेता रच रहे हैं, ये तो वही कह रहे हैं भाई, क्योंकि इनके पास कोई विषय ही नहीं है और सारे काल्पनिक। मैंने सुना, मैं पूरी बात कह दूं सर, पूरे ध्यान से सुना मैंने कि ये सारे काल्पनिक बातें हैं। उसके बाद मरोड़ना तोड़ना, भारत के राष्ट्रपति को ऐसे नहीं करना चाहिए था। भारत के राष्ट्रपति जब खड़ी हो रही थी चुनाव के लिए तो कांग्रेस के नेता ने क्या कहा, जहरीली सोच है इन लोगों की ट्राइबल्स के लिए, मतलब ये तो है कांग्रेस पार्टी की सोच। उनके नेता आज जो है, एक नेता कहते हैं कि सनातन धर्म जो है डेंगू की तरह है, मिटा देना चाहिए, एक पार्टी के नेता कहते हैं। कांग्रेस के सारे नेता जुड़ जाते हैं, कार्ति चिदंबरम जी जुड़ जाते हैं, एक और नेता जुड़ जाते हैं, ये क्या हो गया? मतलब ये देश जो है इसकी कल्पना को कहां तक ले जाएंगे ये अपनी राजनीति के लिए कि भारत शब्द को फेंकना चाहते हैं। आज एक वीडियो आया है इनके कोई एमएलए कांग्रेस के, भारत माता की जय मत बोलिए, यहां संजय जी कह रहे हैं कि भारत माता की जय हम बोलते हैं, जय भारत कहते हैं, तो वो क्यों कह रही है कांग्रेस की नेता कि भारत माता की जय मत बोलिए? मतलब हर चीज की एक सीमा होती है और ये जो इस सीमा को ले गए कि संविधान के पहले अनुच्छेद में भारत का जो शब्द है उसको कूड़े के डब्बे में फेंक जाना चाहिए ये लोग, मैं अद्भुत। और भारत के राष्ट्रपति हिंदी में क्या बोलेंगे आप? इंडिया से 22 सितंबर को जब विशेष सत्र बुला रहे हैं, नाम बदलेंगे
क्या करेंगे, प्लान क्या है कोहली साहब? ऐसा है, मैं अपने मैं पहले तो संसद की गरिमा को पहचानता हूं, और मैं दूसरी बात एक वकील होते हुए भी स्पष्ट रूप से जानता हूं, ना तो कोई मैंने अभी कोई बिल देखा और ना तो मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं। पूरी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर होती है भाई, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर में क्या होना है नहीं होना है वो एजेंडा आएगा, एजेंडा जब आएगा तो जितने सांसद हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं, सब है, उनको जानकारी होगी। एक काल्पनिक बात पे आज सबने कह दिया ऐसा हो रहा है, कहां पर इन्होंने पढ़ा है कि ऐसा हो रहा है? एक नेता ने एजेंडा सेट किया, जैसे राहुल गांधी जी हर बार कभी किसी अधिवेशन में जाते हैं तो एक निजी कंपनी के ऊपर में एक रिपोर्ट विदेश में छपेगा फिर उस पर वार करेंगे, जैसे आज मुझे कुछ बोलने को मिल गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि विपक्ष के नेताओं ने कि भाई हम जो है इंडिया अलायंस है, पहले तो ये इंडिया अलायंस है नहीं, ये इंडिया अलायंस है, क्योंकि उस INDIA में आखिरी शब्द ए जो है वो है अलायंस, तो इंडिया अलायंस के ये जो नेता है इनको बोलने के लिए कुछ चाहिए। एक नेता का मैं बयान अभी सुन रहा था आपके चैनल में, कल हम भारत अपने आप को रख दोगे तो भारत का शब्द हटा देंगे, सब काल्पनिक। जितने ये नेता है कभी कोई एजेंडे पे काम नहीं किया, सिर्फ राजनीति किया। चलिए ठीक है संजय जी, आप जवाब दीजिए, लेकिन अब मैं आपको कुछ देश दिखाती हूँ, उसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास भी, जैस्मिन शाह साहब, आनंद दुबे जी, अविनेश जी, आपके पास भी। ये तमाम देश है जिन्होंने एंग्लिसाइजेशन, क्योंकि जिस तरह से नाम उस वक्त रखा गया उसको बदला, बर्मा से म्यांमार हुआ, तमाम देशों ने एक ओरिजिनल जो अपना उनका नाम था सिलोन, श्रीलंका किया। ऐसे ही तमाम मुल्कों की लिस्ट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कंपूचा जो कंबोडिया, जो कि अपना नाम उन्होंने चुना, जो एंग्लिसाइजेशन उनका हुआ था अंग्रेजों की वजह से उसको उन्होंने बदला और उन्होंने अपना, ईरान देख लीजिए आप, थाईलैंड देख लीजिए, सियाम बोला था उसको फिर उन्होंने थाईलैंड उसको किया है, ऐसे अनेकों मुल्क है जिन्होंने अपने नाम बदले, टर्की, तुर्की, ऐसे ही पूरी लिस्ट हम दिखा रहे हैं। फिर भारत क्यों नहीं, ये एक बड़ी चर्चा भी है ना, जो हॉलैंड को लोग नीदरलैंड कर सकते हैं वो अपनी देश और संस्कृति को लेकर, तो फिर भारत क्यों नहीं? सबसे पहली बात, हमारे लिए भारत कहीं से भी गलत शब्द नहीं है, हमारे में से किसी के अंदर भी भारत के प्रति घृणा नहीं है। एक, हम जितना इंडिया से प्रेम करते हैं उतना ही भारत से प्रेम करते हैं, हमारे संविधान निर्माताओं ने भी यही कहा कि भारत का दोनों नाम है, इंडिया भी और भारत भी। एक दूसरी बात, नाम बदलना भारतीय जनता पार्टी का एक पुराना शगल है, वो जैसे ही बीजेपी के लोग सत्ता में आते हैं सबसे पहले उस शहरों के नाम बदलते हैं, जितनी भी यूपीए की योजनाएं थी उन योजनाओं को नाम बदल बदल के सामने रखा के हम लेकर के आए हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि यह शहर का नाम बदलने का मामला नहीं है, अगर देश का नाम बदलना है बिल्कुल पूरा देश आपके साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करने का मतलब हुआ अगर अनुच्छेद एक में आप कोई संशोधन लेके आना चाहते हैं तो 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी नहीं है। तो मैं ये सवाल क्यों खड़ा कर रहा हूं, क्योंकि मेरी नजर में ये महज शिगोफा है, इनको ऐसा लगता है कि जैसे ही भारत लेके आएंगे सब इंडिया वाले भारत के विरोध में आ जाएंगे और एक नया नैरेटिव लेके चलेंगे कि ये देखो इंडिया वाले भारत के विरोध है, भारत की अस्मिता के खिलाफ है। जी नहीं, आपसे ज्यादा हम भारत से प्रेम करते हैं। आज कोई एक नेता बोल रहे थे कि हम लोग तो कहते हैं गर्व से कौन भारतीय है, ये कभी नहीं बोले गर्व से कम हिंदू है बोलते थे, आज अचानक इनको लगा कि नहीं भारत में ज्यादा ताकत है, भारत में ज्यादा एकता है, भारत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए बोलते हैं कि गर्व से कम भारतीय है, ये सरासर गलत है। तो अगर इनको भारत से इतना प्रेम है और भारत का नाम, इंडिया का नाम भारत करना चाहते हैं, तो अचानक चुनाव के 4 महीने 8 महीने पहले यह सुझाव क्यों आता है? क्योंकि इंडिया नाम विपक्षी गठबंधन का हुआ और जिसकी वजह से ये परेशान हो गए। पहले इंडिया को एक आतंकवादी संगठन से जोड़ते हैं, वो फेल हो गया, फिर वो इंडिया को बोले घमंडिया है, किसी ने भाव नहीं दिया, वहां फेल हो गए, अब वो इंडिया को भारत करके फिर से अटकाना चाहते हैं। तो ये बुनियादी तौर पर एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, एक पॉलिटिकल स्टंट है, इससे ज्यादा पॉलिटिकल स्टंट है आपका कोहली साहब। ठीक है सर, जल्दी से जवाब लेते हैं, अभी तीन मेहमान नहीं बोल पाए। कोहली जी जल्दी से जवाब, उसके बाद से आ रही हूँ। अभिनेश जी आ रही जी, संजय जी कम से कम इतने वरिष्ठ नेता हैं, नाम बदलने की राजनीति की बात जो हम पर थोप रहे हैं, शायद इतना तो जरूर कह सकते हैं कि इस देश में कोई गली नहीं होगी, कोई पार्क नहीं होगा, कोई सड़क नहीं होगा, कोई संस्था नहीं होगी जिसमें पंडित नेहरू से इंदिरा गांधी जी तक, राजीव गांधी जी तक बड़े लोगों के नाम बदल के, स्थानों को बदल के इन्होंने नाम ना बदले हो। तो नाम बदलने की राजनीति कम से कम
कांग्रेस पार्टी को शोभा नहीं देती किसी और पर ये वार करने के लिए, क्योंकि ये उन्होंने पूरी जिंदगी किया 70 साल में 50 साल के। एक मिनट, मैंने सुन लिया संजय जी, मैंने टोका नहीं, मैंने सुना, मैंने टोका नहीं सुना। दूसरी बात आइए, फिर मैं दूसरी बात, मैंने पहले ही कहा ये राजनीति कर रहे हैं। खुद संजय जी ने, और आपका मैं धन्यवाद करता हूं भाई साहब, कि आप ही ने कहा इंडिया शब्द हमारे अलायंस में है, तो आपने, वो इंडिया अलायंस है, तो इन्होंने ऐसी राजनीति की, अब भारत बदलना चाहते। मैं कह ही रहा हूं कि ये सब राजनीति करना चाहते हैं भारत शब्द के साथ और इस सब के साथ। तीसरी बात, जो ये सारा परिपेक्ष है, जो एक काल्पनिक परिपेक्ष है इनका, उन्होंने कह दिया 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अरे संजय जी, जो पार्लियामेंट में प्रोसीजर है वो संविधान से ही चलेगा, अनुच्छेद 368, हाँ वो है 368, जिसमें किया गया कि कैसे आप संविधान को बदल सकते हैं। उसमें आज तक 105 ऐसे चीजें आई हैं। पहला वाला जो है नेहरू जी के जमाने में आया था 51 में बदलाव, कहां हुआ है, क्या हुआ है, इस पर भारत के साथ क्यों घृणा, ये सब जो है राजनीति आप लोग कर रहे हैं। नहीं तो लाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? नलिन जी को किसी का फोन आ गया, नलिन जी को किसी का फोन आ गया भाई, बीच शो में ही फोन आ गया नलिन। नहीं नहीं तो उठा भी लिया आपने, उठा भी लिया आपने ऑनर। अरे कोहली साहब, ये तो बताइए लाना चाहते हैं आप लोग, गंभीर है भी कि नहीं है इसको लेकर? अभी तो यही नहीं समझ में आ रहा। एक बार वन नेशन वन इलेक्शन का शगुफा छोड़ते हैं, उस पर कमिटी बनती है, फिर वन नेशन वन नेम का शगुफा आता है। सीरियस है या नहीं है ये तो बताइए। आपका सवाल बहुत अच्छा है। फिर कॉमन सिविल कोड, पहले कॉमन सिविल कोड का सिगुफा आया, दो बातें, वन नेशन वन इलेक्शन, अब इंडिया दैट इज भारत का सिगुफा है। एक मिनट, फोन किसका था नलिन जी की आपके शो के बीच में उठा लिया? विनम्रता के साथ कहूंगा आप, एक मिनट, यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप प्लीज शगुफा मत कहिए, संविधान का भाग है। आप संविधान उठाइए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी देखिए, उसमें 1950 में जो संविधान लागू हुआ इस देश में, उसमें कल्पना की गई है, काल्पनिक नहीं है, वो कही गई है कि हमें यहां पर एक लाना है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप दूसरी बात करते हैं, हम संविधान के साथ मजाक करें बाबा साहेब अंबेडकर जी के ऊपर, आप लोगों ने क्या किया? और आप अभी जाइए नड्डा जी की ट्वीट देख लीजिए, वो भी आ चुकी है। इंडिया दैट इज भारत, सारे नेता कह रहे हैं, ये सारे शब्द जो आप घुमा रहे हैं, इंडिया दैट इज भारत एंड भारत दैट इज इंडिया इन द हिंदी एंगल, आप उठाइए ना संविधान की हिंदी कॉपी, भारत शब्द पहले आता है, इंग्लिश वाले में इंडिया दैट इज भारत, दोनों शब्द है भाई। और इसमें आप जो राजनीति अभी कर रहे हैं, इस राजनीति को कहां तक ले जाएंगे आप? आप जो है केवल एक अलायंस, जो एक अलायंस बनाए जिसमें अभी स्पष्ट नहीं है कौन इसका नेता, क्या इसका एजेंडा, क्या करना चाहते हैं, सिर्फ मोदी विरोध से क्या ये एजेंडा चलेगा, उसके सामने में आपने आज भारत शब्द को यहां ले आए, सनातन को कहां ले गए आप? सनातन धर्म को कीड़ा मकोड़ा किया। एक बताइए, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का बयान कि हम सारे धर्मों के साथ खड़े और सनातन धर्म के खिलाफ जो कहा गया है हम उसके खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि राजनीति दिखती है। अगर कोई ऐसा मुसलमानों के लिए कही या क्रिश्चियंस के लिए कही, क्या वो उचित होगा? एक सेकंड में खड़े हो जाएंगे। लेकिन हिंदू धर्म या सनातन धर्म पे होगा तो तुरंत कहेंगे नहीं नहीं चुप करिए, सारे धर्म समान है। तो कहां पर आपके नेता उस बयान के साथ खड़े हुए हैं? तो मैं इसलिए कह रहा हूं उस बयान के साथ भारत शब्द के ऊपर जो राजनीति कर रहे हैं ये दोनों जुड़े हुए हैं। ठीक है, जैस्मिन शाह साहब, अरविंद केजरीवाल जी की भी हमने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके बाद से अपनी जय जी आऊंगी, थोड़ा पॉलिटिकल पार्टीज को बोल लेने दीजिए, उसके बाद संघ के जानकार के रूप में आपका व्यू जानूंगी। जैस्मिन शाह साहब, सवाल यह है कि हम तमाम मुल्कों के नाम दिखा रहे हैं जिन्होंने अपने सांस्कृतिक आधार पर अपना नाम परिवर्तित किया, जो एंग्लिसाइज्ड नाम था उनका उसको पलटा, इसमें क्या गलत है? अगर क्या यह बहस होनी नहीं चाहिए? हर बात पे कहना कि अब जो भी बीजेपी कर रही है वो इंडिया से डर गई है, इंडिया गठबंधन से डर गई है। अंजना जी, बीजेपी यानी कि भारतीय जुमलेबाज पार्टी के ऊपर एक कहावत बड़ी सटीक बैठती है, एंड एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। हिंदी में इसका अनुवाद करूं तो एक खाली दिमाग शैतान की कार्यशाला होती है। आज देश के सामने कितनी बड़ी बड़ी समस्या है। चीन हमारे बॉर्डर के अंदर घुस चुका है, 25 पोस्ट लद्दाख में चीन ने अपने अपने कब्जे में कर लिए है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चर्चा करने के लिए टाइम नहीं है, ना ही कोई सोच है। मणिपुर देखिए 4 महीने से जल रहा है, लेकिन ये यूसीसी का शकुफा छोड़ते हैं। जब हम कहते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी के तले आज देखिए मिडिल क्लास और गरीब परिवारों का क्या हाल हो चुका है,
तो ये कहते कि नहीं, वन नेशन वन पोल, वन नेशन वन पोल, उससे सारी समस्याएं ठीक हो जाएगी। आज देखिए शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या क्या परिस्थिति है, सरकारी स्कूल और अस्पताल की क्या परिस्थिति है। आज केजरीवाल जी ने 400 इलेक्ट्रिक बसेस को फ्लैग ऑफ किया, मतलब एयर पॉल्यूशन पे बड़े बड़े काम कर रहे हैं हम दिल्ली में, लेकिन ये कह रहे कि नहीं चलो डिबेट करते हैं भारत वर्सेस इंडिया, भारत वर्सेस इंडिया। इसलिए मैं कहता हूं आज इनके पास पूरे देश के लिए कोई विजन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है। आम आदमी से जुड़े हुए मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के का दिमाग खाली हो चुका है, मेरे ख्याल से ये इसका प्रतीक है। अब सवाल पूछना चाहिए कि आज जाके ये लोग भारत वर्सेस इंडिया क्यों डिबेट कर रहे हैं। ये तो सेटल्ड क्वेश्चन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा था। इतने सालों तक वाजपेयी जी की भी सरकार आ गई, सबने शांति से काम किया। 9 साल मोदी जी ने खुद ने पहले तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की शपथ ली, 2 बार फ्लैग ऑफ इंडिया के नीचे खड़े रहे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे हाथ रख के शपथ ली, उसके बाद मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, न्यू इंडिया, इतने इंडिया आपने खुद ने लॉन्च कर दिए। लेकिन जब इंडिया अलायंस का गठबंधन बैठता है तो तुरंत उनको नफरत हो जाती है। मतलब एक आदमी, एक पार्टी जिसको अपने देश से नफरत हो जाती है, इसलिए क्योंकि ऑपोजिशन पार्टीज ने एक नाम क्या रख लिया, मानो वो देश का क्या अच्छा कर सकता है फ्यूचर में। तो केजरीवाल जी ने सही बात करी कि कल अगर हम अपने अलायंस का नाम भारत कर देंगे तो क्या आप भारत शब्द ही बदल के बीजेपी डाल दोगे। और अन्ना जी आपने अच्छा सवाल पूछा कि कई देशों ने अपने नाम बदले हैं, लेकिन ये भी सच्चाई है कि कई देशों के अपनी नेटिव भाषा में कुछ और नाम होता है और इंटरनेशनली कुछ और नाम होता है। इजिप्ट का उदाहरण ले लिए, उसे मिस्र बोलते हैं, इजिप्ट भी जाना जाता है, मिस्र भी जाना जाता है। तो क्या नाम बदलने से कोलोनियल माइंडसेट चली जाती? मेरे ख्याल से ये लोगों की माइंडसेट पहले से ही कोलोनाइज्ड है, उनको लगता है कि नाम से पूरे देश की गरिमा। ठीक है, गिने चुने एक दो देश होंगे। फिनलैंड जी, ना ना ना, मैं आपको नहीं, तो जो भी है आपने भी 4-5 नाम गिने, मैं कह रहा हूँ फिनलैंड देख लीजिए, स्वीडन देख लीजिए, बेल्जियम देख लीजिए, इन सारी कंट्रीज के अपनी भाषा में अलग नाम है अंजना जी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, तो नाम बदलने से देश की जो फ्यूचर है उसका विजन नहीं बदलता है, अच्छी नीयत और अच्छे कार्यों से, अच्छे कर्म से देश के लोगों का भला होता है। प्लीज ऐसे जुमलेबाज, हर दिन एक नया जुमला, हर दिन एक नया जुमला, मेरे ख्याल से नलिन जी, नलिन जी एक सेकंड रुक जाइएगा। संजय जी, अभी अभी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक ट्वीट किया है, कांग्रेस पार्टी ने इंडिया को मिटाना नामुमकिन है वाला जो ट्वीट किया है सर, उसमें जो पन्ना उन्होंने डाला है प्रियम्बल का, उसको देखिए, खोलिए सर, खोलिए ट्विटर हैंडल कांग्रेस का, पहला पन्ना है, पहला पन्ना देखा मैंने, ये पहला पन्ना है, वो गलत डाल दिया है सर पूरा, उसमें तीन तीन स्पेलिंग वन आना चाहिए था, लेकिन पहला पन्ना का जो प्रीएम्बल है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन, नड्डा जी ने वही तो दिखाया इनको, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और उसके प्रीएम्बल के सारे पांचों पॉइंट्स है, देखा मैंने, पढ़ा है मैंने। हाँ, लेकिन उसमें क्यों ऐतराज होना चाहिए, इस पर नड्डा साहब को क्यों ऐतराज है? नहीं, स्पेलिंग गड़बड़ है सर, ये पता नहीं कहां से उठाया गया है, तमाम स्पेलिंग गलत है। क्यों है? सोलेमली, एक सेकंड, सोलेमली जो लिखा हुआ है उसकी स्पेलिंग गलत है, ब्रीफ की, अरे सर संविधान की कैसे गलत स्पेलिंग वाली कोई मतलब, ये या तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकला हुआ कोई पेज होगा ना, इसलिए मैं कह रही हूँ, फ्लैग कर रही हूँ, गलती हो गई है, शायद उसको सही पेज डाला जा सकता है। अंजना जी, जी अंजना जी, अंजना जी बगैर उसको रिकन्फर्म किए मैं नड्डा जी की बात को जो आपने आगे बढ़ाई है उसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से माफी मांग लेता हूँ। नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी का ट्विटर हैंडल आपको दिखा रही हूँ सर, मुझे गलत है तो मैं माफी मांग लेता हूँ, बात खत्म हो गई। कांग्रेस पार्टी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, लेकिन भेजती हूँ ना आपको, देखिए ना, मैंने देखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया था स्पेलिंग पे, लेकिन मैं अभी गलत पन्ना, एक बार फिर से जो नलिन भाई बार बार बोल रहे हैं कि भारत से इतनी घृणा क्यों है, किसी को घृणा नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूं, हम चाहते हैं हमारे लिए दोनों शब्द उतने ही पवित्र हैं, और हमारे संविधान निर्माताओं, हमारे पूर्वजों ने, बाबा साहब अंबेडकर जी ने लिखा इंडिया दैट इज भारत, तो दोनों शब्द महत्वपूर्ण है, आप दोनों में से जिस शब्द से प्रेम करना चाहे करिए, दोनों से प्रेम करना चाहे करिए, लेकिन आज ही आपको क्यों याद आता है कि भारत का नाम, अरे इंडिया का नाम बदल करके पूरी दुनिया के लिए भारत कर दिया जाए, क्योंकि अपोजिशन का डर है, घबराहट है, बौखलाहट है। वरना 4 महीने पहले या 6 महीने पहले चुनाव के इस तरह की बात क्यों की जाएगी? अब निजेश, पहली बात, बहस इस बात पे रही कि भारत का नाम बदल, अरे कोहली साहब एक बार, अब निजेश बोल रहे हैं, आ रही हूँ कोहली साहब, इसके बाद फौरन आ रही हूँ। अब निजेश, अंजना जी, भारत का, इंडिया का नाम नहीं बदला गया, इंडिया भारत ही है नाम,
जो नाम लिया जाना चाहिए वही नाम लिया गया है। भारत है नाम, बदलना कहां गया है? वो कह रहे कि इनको भारतीय जनता पार्टी वालों को नाम बदलने का शगल है। कहां नाम बदला गया? भारत का नाम भारत नहीं, हमारे अपने देश का नाम भारत नहीं है क्या? बदला कहां गया ये मुझे बताइए। ये गलत नैरेटिव चला दिया कि अब तक भारत का नाम इंडिया था, अब भारत कर रहे, भारत ही था और अभी नहीं हुआ। ये बात ये कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से इनविटेशन है तो प्रेसिडेंट ऑफ भारत की तरफ से नाम बदलने वाली बात नहीं है, वही नाम था। इससे पहले अगर आप देखेंगे नरेंद्र मोदी जिस प्लेन में सफर करते हैं उसमें क्या लिखा हुआ, उसमें भारत नहीं लिखा हुआ क्या? इनको ये लगता है कि इन्होंने एक INDIA अलायंस बना लिया तो इसका इंडिया पर मोहर लग गई इनकी। गलत है अंजना जी, 2014 के गार्जियन का वो लेख पढ़ लीजिए जिसमें वो लिखते हो। मैं किसी विदेशी अखबार की बहुत ज्यादा तस्दीक नहीं करता हूं लेकिन फिर भी आपको याद दिला रहा हूं और इन तमाम लोगों को याद दिला रहा हूं कि 1947 में नहीं 2014 में भारत पहली बार कॉलोनियल उपनिवेशवादी मानसिकता से बाहर आने का उसका दिखाई देता है पूरा स्वरूप। बड़े बाहर के लोगों के बीच में जाके जो लोग बोलते हैं और जो लोग बाहर के अखबारों की कटिंग को यहाँ पर करते हैं वो उनसे पूछिए जाकर के। मैं उनके लिए कह रहा हूं, मैं तस्दीक अपनी उसके तस्दीक के लिए नहीं कह रहा हूं, उन्हीं लोगों को कह रहा हूं जो बाहर के अखबारों की उदाहरण देते हैं, उद्धृत करते हैं। अंजना जी बड़ी साफ सी बात है, बड़ी साफ सी बात है, भारत का राजपत्र होता है, भारत का संविधान है, भारत इस देश का नाम है, कोई बदला नहीं गया, भारत ही है इस देश का नाम। कुछ लोग इसको इंडिया कहते थे, कहते रहे, ये है सच्चाई। आनंद दुबे जी को दिखाइए जरा, जी दिखी नहीं दिख रहा उनका आनंद वाला चेहरा। आनंद जी देखिए तो मामला बहुत फंस गया आप लोगों के लिए, किधर साइड लीजिएगा आप लोग? तो राष्ट्रवादी, एक वक्त पर हिंदुत्ववादी पार्टी होते थे, तो भारत कहना चाहिए या इंडिया? अंजना जी नमस्ते जी। भारत माता की जय, आई लव माई इंडिया, मेरी शान हिंदुस्तान। हम भारत भी है, हम इंडिया भी, हम हिंदुस्तान है। अभी नलिन साहब कह रहे थे कि भाई जब भारत और इंडिया एक है हमें कोई आपत्ति नहीं। नलिन साहब यही ज्ञान तो अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी दे देते जो हमें इंडी आई डॉट एन डॉट, अरे क्यों कहिए ना इंडिया, आपकी हमारी वैचारिक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, जब मंच पर आएंगे तो लड़ लेंगे, लेकिन इंडिया नाम से इतनी नफरत क्यों है? हम तो बचपन से कहते थे ना आज भारत का मैच ऑस्ट्रेलिया से है, कब धीरे धीरे हमें कहने लगे आज इंडिया का मैच पाकिस्तान से है, आज इंडिया का मैच वेस्ट इंडीज से है। समय जब बदलते गया तो लोग बोली भाषा में बदलते गए, लेकिन भारत के लिए वही प्यार है, इंडिया के लिए वही प्यार है, हिंदुस्तान के लिए वही प्यार है। एक आरएसएस के बड़े नेता 2 दिन पहले मंच से कहते हैं कि अब इंडिया का नाम बदल देना चाहिए, हमें भारत कहना चाहिए, और 2 दिन बाद ही हमें रुझान देखने को मिल गए। पहली मीटिंग हमारी पटना में होती है, दूसरी बेंगलुरु में होती है, तीसरी खत्म हुए 2 दिन नहीं बीता और रुझान आने शुरू हो गए। इतनी बौखलाहट, इतनी परेशानी इंडिया से, अरे भाई आप, हम उसी भारत में हैं जहां मणिपुर में हमारी माताओं बहनों को अपमानित किया जा रहा है, हम उसी भारत में हैं जहां कश्मीरी पंडित अभी तक अपने स्थापना के लिए, अपने पुनर्वासन के लिए परेशान है, हम उसी भारत में है जहां महंगाई की दर आप देख लीजिए, हम उसी भारत में है जहां बेरोजगारी अपने चरम पर है। अरे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, ये तीनों हमारे दिल में है। आपके कहने से न कहने से कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। हर जगह राजनीति करते हो, आपको 9 साल पहले जब देश की जनता ने चुना, आप कर देते प्रेसिडेंट ऑफ भारत, आप कर देते रिजर्व बैंक ऑफ भारत, आप कर देते मेक इन भारत, खेलो भारत, जुड़ेगा भारत, हमारे तो स्लोगन में ही है ना कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो आशीर्वाद यात्रा। तो शिवसेना यूपीडी इस पक्ष में है कि दोनों नाम रहने चाहिए, है ना? तीनों नाम रहने चाहिए, तीनों हमारे देश का नाम भारत भी है, इंडिया भी है, हिंदुस्तान भी है। कई लोग ये मानते हैं कि मुगलों का लाया हुआ हिंदुस्तान नाम था, फिर भी दुबे जी आप इसके पक्ष में हैं? हिंदुस्तान बचपन से सुनते आए हैं, ठीक है, जवाब दीजिए आप नलिन कोहली जी, सारे जहां से अच्छा तीनों की बात का जवाब हमारा, हम तो यही कहते हैं ना, संजय जी का, जैस्मिन शाह साहब और आनंद दुबे जी का। मैंने ध्यान से और करना भी था कोई बदलाव तो सर वक्त रहते करते ना, ये लास्ट में खाली डिस्कशन छेड़ के 24 के चुनाव के लिए आप टारगेट कर रहे हैं, एक देश एक कानून, एक देश एक चुनाव, एक देश एक नाम, ये इनका एजेंडा है, ये इनका एजेंडा है। और मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं
सब भाग रहे हैं एक सवाल से, आप बड़ा स्पष्ट रूप से पूछिए कि भाई सनातन धर्म पे जो वार हुआ, क्योंकि सारे सेक्युलरवादी लोग बैठे हुए हैं और ये अच्छी अच्छी बातें करते हैं, तो सनातन धर्म को बीमारी के साथ कंपेयर किया गया और कांग्रेस के नेताओं ने उसका समर्थन किया। तो उद्धव जी की पार्टी से पूछिए, आम आदमी पार्टी से पूछिए, और संजय जी अभी माफी मांग रहे थे एक चीज पे और उस पे मैं आता हूं अभी, जो नड्डा जी के ट्वीट है इसमें, एक मिनट नहीं, इन सबको अपना स्पष्ट बोलना चाहिए भाई, कांग्रेस को इसमें माफी मांगनी चाहिए नहीं मांगनी चाहिए, बड़ा स्पष्ट है कि आपके विचार नहीं पूछ रहा कोई भाई, कांग्रेस आपके सहयोगी है इस इंडिया अलायंस में और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उस बात के साथ सहमति जता रहे हैं कि सनातन धर्म हिंदू धर्म जो है मतलब बीमारी है, बीमारी है जो 5000 साल से है, जिस धरती पे हम पैदा हुए हैं वो एक बीमारी है। मतलब ये देखिए, भारत जहां पर सनातन धर्म हुआ फिर कहते हैं हमें भारत से प्यार है, अरे भारत से प्यार है और सनातन से नफरत। अब आते हैं कांग्रेस पार्टी पे, संजय जी आपने शालीनता से माफी मांगी, ये आपका बड़प्पन है, पर आपकी पार्टी के दोष को देखिए जो नड्डा जी ने पूरे देश के सामने रखा है। मतलब यहां पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और राहुल गांधी जी के सलाहकार क्या करते हैं, भारत के संविधान के प्रियम्बिल को गलत रूप से पेश करते हैं, मतलब इसमें माफी क्या है। मतलब यह दिखाता है कि कोई लोग आपके कांग्रेस की टीम को क्या दे सकते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर जी के संविधान को इस रूप से मजाक के रूप में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी संजय जी अभी तक वो ट्वीट हटा नहीं है के साथ रखा है, इसमें ये गलत पन्ना डला हुआ है और हटा नहीं ट्वीट, मैं वही कह रहा हूँ नड्डा जी का ट्वीट दिखाना चाहिए आपको पूरा। अब नड्डा जी का ट्वीट क्यों दिखाएं जो कांग्रेस ने ट्वीट किया वो हम दिखा रहे हैं। संजय जी मैं जरा जवाब दूं, नड्डा जी ने सामने रखा है तो जवाब देना कांग्रेस पार्टी। हाँ मैं जवाब दूं। हाँ हाँ संजय जी, अंजना जी, अंजना जी दो बातें हैं, मैं आता हूं उस ट्वीट पे। सबसे पहले बार बार उछल उछल के नलिन कोहली साहब इंडिया और भारत के विवाद से दूर छिटक रहे हैं और सनातन धर्म वाले मुद्दे को लेकर आना चाह रहे, तो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर दो शब्द बोल दूं। कांग्रेस पार्टी ने कल अधिकृत तौर पर वेणुगोपाल जी जो हमारे कांग्रेस के महासचिव संगठन हैं और कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के जो चीफ हैं हमारे जयराम रमेश जी, वो दोनों प्रेस में आए कांग्रेस के ऑफिशियल पोडियम से, उन्हें साफ साफ कह दिया कि कांग्रेस पार्टी इस तरह के किसी भी विचारधारा में विश्वास नहीं करता जिसमें किसी धर्म से नफरत की बात कही जाए या किसी धर्म को नष्ट करने की बात की जाए। वेणुगोपाल जी ने साफ साफ कहा हम सर्व धर्म संभाव वाले लोग हैं और हम लोग सभी धर्मों को आदर करने में विश्वास करते हैं, यही हमारा संविधान भी बताता और यही हमारे देश की परंपरा है। अब कोई एक सांसद ने पता नहीं किस आधार पर किसी का समर्थन कर दिया तो वो कांग्रेस की लाइन नहीं हो सकती है। कांग्रेस की ऑफिशियल लाइन वो है जो वेणुगोपाल जी या फिर जयराम रमेश जी बोल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसके आगे नलिन कोहली जी इस मुद्दे पे कांग्रेस को घसीट करके कुछ नहीं बदकुचन करेंगे और कुतर्क करेंगे, जिसके लिए वो लोग ये पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग मशहूर हैं। तो आप अपना कुतर्क करते रहिए, कांग्रेस पार्टी ने अपनी भूमिका स्पष्ट कर दी, सनातन धर्म में कुरीतियां हैं उसका विरोध होना चाहिए, उसका समूल नाश होना चाहिए। इन कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, विधवा विवाह, सती प्रथा, जातिवाद, छुआछूत, इन सारी कुरीतियों के खिलाफ सदियों से हमारे देश में आंदोलन चलते रहे हैं और इन कुरीतियों को नष्ट करने के लिए लड़ाई भी होती रही है और इन कुरीतियों के खिलाफ जब आंदोलन चलता था तो उसके खिलाफ भी बहुत सारे लोग खड़े थे उस जमाने में, लेकिन उन कुरीतियों को नष्ट किया गया। तो किन्हीं कुरीतियों की वजह से धर्म के अंदर की व्याप्त बुराइयों की वजह से धर्म को गलत कहना सर्वथा गलत है, हम इसका समर्थन नहीं करते। सनातन पर ले जा रहे हैं आप भी, उस राह निकल जाइएगा तो उनके टॉपिक को सपोर्ट कीजिएगा ट्वीट की, कि आप जब प्रस्तावना ही नहीं सही ट्वीट कर सकते संविधान की, तो फिर ऐसे में संविधान क्या बचाने की लड़ाई लड़ेगी। अब मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन हम इसको ब्लो अप कर रहे हैं। संविधान के प्रस्तावना को पेश किया गया, उसमें हो सकता है कि कुछ गलत स्पेलिंग वगैरह हो, चेक नहीं किया होगा हमारे लोगों ने और इसके लिए मैंने खुद बड़ा, मैंने हालांकि अभी फिर से ध्यान से नहीं देखा है, फिर भी आपने चूंकि पॉइंट आउट किया और नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीजेपी का, अगर वो इसके ऊपर आपत्ति देते और वो पॉइंट आउट कर रहे हैं तो मैं बगैर देखे कांग्रेस पार्टी की तरफ से माफी मांगता हूं। अब उसी चीज को कोहली जी फिर रिपीट कर रहे हैं, उसी चीज पे आप बोल रहे संजय जी एक बार और माफी मांग लो, पूरी कांग्रेस पार्टी माफी मांग ले, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो आप अगर इसको ब्लो अप करना चाहते हैं तो करते रहिए,
हमारा मानना है, हमारा मुद्दा सिर्फ इतना है इंडिया दैट इज भारत, और दोनों टर्म कोहली जी थोड़ा सा रुक जाइए, मुझे अन्य मेहमानों से एक कमेंट लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास हमारे पूर्वजों ने किया आगे भी दोनों से प्रेम हमारे लास्ट में आप जवाब दीजिएगा, लास्ट में जवाब दीजिएगा कोहली साहब लास्ट। अच्छा ठीक है, एक एक वाक्य सिर्फ प्लीज। मैं इतना ही कह रहा था, मैं उछल उछल के बोल नहीं रहा हूं, आपके केसी विनोद गोपाल जी के बॉस और आपके बॉस है खड़गे जी, खड़गे जी के बेटे हैं प्रियांक खड़गे जी, ठीक है सर। उन्होंने समर्थन किया और स्पष्ट कहा है कि हाँ ये बीमारी है, ये तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष के परिवार की सोच है, और जनयुधारी मतलब राहुल गांधी जी जो कुरीतियों की बात करते हैं वो क्या है जरा बताइए ना। जैस्मिन शाह साहब, जैस्मिन शाह साहब, अब देखिए इंडिया गठबंधन के साथ चूंकि तमाम पार्टियां आप लोग एक साथ हैं तो एक दूसरे पर भी नजर रखनी होगी क्या कुछ होता है और अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। सनातन पर अगर कांग्रेस का कोई नेता डीएमके का नेता बोलेगा तो आपसे पूछा जाएगा कि आप सब साथ हैं, अगर भारत को लेकर कोई बोलेगा तब पूछा जाएगा, तो कुल मिलाकर एक कलेक्टिवली आप लोगों को तो एक लाइन तय करनी पड़ेगी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल पूछना चाहिए, लेकिन पहले अलायंस क्या बात रखती है और अलायंस के इतने सारी पार्टियों के कौन कौन से नेता क्या क्या अपनी व्यक्तिगत टिप्पणी करते हैं वो अलग चीज होती है, और ये चाहते हैं कि हर चीज पर डिस्कशन हो, हर चीज पर निंदा हो। मैं तो केवल एक सवाल पूछना चाहूंगा कोहली जी से, आप पहले कहिए कि ब्रजभूषण सिंह के बारे में आप उनकी निंदा करते हैं कि नहीं करते हैं, आप सबसे अपनी राय सनातन धर्म पे मांगना चाहते हैं, लेकिन आपके खुद के एमपी जिन्होंने महिला पहलवानों पे इतना शोषण किया आज भी आज उनके साथ खड़े हुए हैं, सारी देश की महिला एक तरफ, आपका एक एमपी एक तरफ, मणिपुर में जितनी जातियां हो रही है मणिपुर की महिलाओं के साथ, इतने सैकड़े लोग मर गए हैं, फिर भी आप अपने सीएम की निंदा नहीं करेंगे। कंक्लूडिंग रिमार्क कोहली साहब, देश टाइम एकदम खत्म हो गया दुबे जी, आई एम वेरी सॉरी सर। दुबे जी दो लाइन, दुबे जी दो लाइन, बहुत सीधा, मैं सीधा जवाब दूंगा। दुबे जी दो लाइन, दुबे जी की पहले दो लाइन, नलिन जी ने सीधा हम पर, नलिन जी ने सीधा हम पर आरोप लगाया कि उदय निधि स्टालिन के बयान पे आपकी क्या राय है। हमारी सीधी राय है कि हम उनके बयान की कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, और जितनी आप नलिन जी दो लाइन सिर्फ दो लाइन। हाँ बहुत सिंपल सीधा, आम आदमी पार्टी ने एक शब्द बोला राजस्थान की महिला के साथ जो वीडियो गए हैं उसके वस्त्र उतरते हुए चीरहरण जो हुआ है, एक वाक्य नहीं बोला किसी ने क्योंकि कांग्रेस की सरकार। चलिए इसी के साथ बहस कांत करना पड़ेगा, दर्शकों पर छोड़ते हैं, वो समझेंगे कि किस तरह से तमाम पार्टियों के स्टैंड को देखना है। देश में बाकी खबरों के लिए देखते रहे।